अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ राशिद महमूद। आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ट्रायंगल को बनाएंगे। ये देखिए कि ये स्टार्स का एक पैटर्न बना हुआ है जिसके साथ ये हमें नज़र आ रहा है कि पूरी ये राइट ट्रायंगल की शक्ल बनी हुई है। हमने इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे बनाना है और कैसे इसको डिवेल्प करना है, ये एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसको हम दो तरह के मेथड हम इसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि हम सी आउट के ज़रिए इसको शो करते जाएं, और दूसरा मेथड ये है कि हम इसके ऊपर लूप चला लें। लेकिन अभी ये हमारी इनिशियल स्टेज है इसलिए हम लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड जो सी आउट के साथ ये डिवेल्प करना बताऊँगा। अच्छा, इसकी कोडिंग करने से पहले, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप करने से पहले, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये देखें कि ये कितने बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, कि मतलब 7 इसकी वो रोज़ बनेगी और हर एक के साथ ये इंक्रीमेंट कर रहा है एक एक स्टार का। तो इसी तरह इसको फॉलो करते हुए हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम डेवलप करेंगे। मतलब इसके 7 रोज़ हैं और हर रोज़ के अंदर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम बनाना, कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा। पहले फाइल में गए, न्यू और सोर्स फाइल। सबसे पहले हम अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे, जैसे कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। बाद में एंटर किया और बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका के मेन फंक्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हम अपना बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सी आउट। अब हमारे ट्रायंगल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ हम यूज़ करें, मतलब स्टार्स के साथ वो ट्रायंगल बनी है। सपोज करें मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार और इसको मैंने कंपाइल करवा दिया, ये रहा कंपाइल एंड रन, इसको यूज़ किया। इसकी सबसे पहले मैं फाइल को सेव करता हूँ, मतलब ट्रायंगल ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल को सेव कर दिया। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, लोड हो रहा है, वेट कीजिएगा थोड़ी देर। ये नीचे हमारे कंपाइलेशन को शो करवा रहा है, ये देखिए कि ये हमारी जो आउटपुट है एक सिंपल सा ये कॉर्नर के अंदर स्टार नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टार के बाद हम क्या करेंगे कि सपोज करें हम यहाँ पे एक और स्टार लगा दिया के शो करवाने के लिए। हमें स्टार तो चाहिए लेकिन मैंने एक और स्टार लगा दिया क्योंकि एक ये पैटर्न बनाना है। तो अगेन मैं इसको जब कंपाइल करूँगा और रन करूँगा तो देखिए कि स्टार इसके सामने आ रहा है, इसके सामने हमें शो हो रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल बनी है वो पैटर्न के हिसाब से बनी है, एक स्टार ऊपर दो स्टार नीचे ऐसे। लेकिन यहाँ पे ये इसके सामने आ गए जिसकी वजह से हमारा एक कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम न्यू लाइन पे आने के लिए, नीचे न्यू लाइन पे आने के लिए स्लैश एन का यूज़ करेंगे। अब देखें, अब जब कंपाइल करेंगे हम तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये चीज़ ऊपर अकेली है, लेकिन अब हम जब न्यू लाइन का स्लैश एन लिख देंगे और आगे फिर स्टार लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि वो दूसरा जो स्टार होगा नीचे वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये नेक्स्ट दूसरी लाइन के ऊपर आ गया। चलें अब इसी को फॉलो करते हुए हम बनाते हैं। अब देखें स्टार, डबल स्टार। अब मैं आपको अगेन कंपाइल करके दिखाता हूँ, ये देखें ये नीचे आ गया पैटर्न। अब उसी पैटर्न के साथ ये आगे चल रहा है। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे मैं स्लैश एन लगाऊंगा, और बाद में हमारे पैटर्न में था ट्रिपल, मैंने ट्रिपल लगा दी और अगेन इसको कंपाइल कर। अब देखिए कि वो पैटर्न को फॉलो करते हुए एक एक हम इसके अंदर क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको एक ट्रायंगल की शक्ल देता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर स्लैश एन फोर तक हम लेंगे इसको, ये देखिए। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बनती जा रही है, ये वन वन हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं स्टार का, और ये ऊपर एक ट्रायंगल की शक्ल लेता जा रहा है। फोर फिर स्लैश एन वन टू थ्री फोर फाइव, अगेन कंपाइल, ये देखिए फाइव की वन, अगेन स्लैश एन, फिर नीचे वाली न्यू लाइन के ऊपर आ गया ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगेन कंपाइल करते हैं हम इसको, ये देखिए ये एक एक हम इंक्रीमेंट किए जा रहे हैं और ये ट्रायंगल की एक शक्ल बनती जा रही है। स्लैश एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, अगेन कंपाइल करेंगे हम इसको, ये देखिए ये आप देखिए हमारे पास एक पूरी ट्रायंगल जो हम मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था वो इमेज के ऊपर वो हमने इसके ऊपर जनरेट कर लिया है। ये हमारे पास एक पूरी एक ट्रायंगल बन गई है। एक काम को करने के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, अगर ये मैंने सिंपल मेथड के साथ आपको करके दिखाया, एक लाइन के अंदर कंप्लीट पूरा कोड लिख दिया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये हमने ऐसे लिखा और हमारा एक लाइन में किसी में स्टार्स कम हो गए, हमारे आउटपुट ठीक नहीं आ रही, तो इसको एक और मेथड है, मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे लगाएं डबल कोटेशन, यहाँ पे सेमी कॉलन एंटर कर दिए, ठीक है, सी आउट एंगल ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के इसको अलग करते हैं। इससे हमारा जो भी पैटर्न होगा ना जो हमने लिखा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आउटपुट का एनालिसिस हो जाएगा कि क्या आपकी एनालिसिस ठीक जा रही है कि गलत जा रही है। ये देखिए सी आउट एंगल ब्रैकेट, ये बाद में सेमी कॉलन एंड सी आउट, यहाँ पे जहाँ पे भी हम न्यू लाइन को लेके जा रहे हैं वहाँ पे डबल कोटेशन लगा के नीचे आप आगे एंटर कर दें और नीचे ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। ये देखें अब हमने ये लिख दिया पूरा एक प्रोग्राम। अब देखें वो भी मेथड सही था क्योंकि उसके साथ हमारी आउटपुट सही आ रही थी, और एक ये भी मेथड है कि इसके साथ आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा कि आपने जो प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर लिखा है क्या उसकी आउटपुट ठीक होगी कि गलत होगी। ये देखिए यहाँ पे भी एक पूरा पैटर्न बना हुआ है स्टार्स का, जिसके साथ आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस हो रहा है कि आपकी जो आउटपुट आएगी वो राइट ट्रायंगल के अंदर ही आएगी। चलें इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारी आउटपुट सेम है, कि इट मीन दैट कि एक काम को करने के बहुत से मेथड जो हो सकते हैं, मेथड कोई भी यूज़ करें लेकिन आउटपुट आपकी सेम। ये हमने पूरा एक प्रोग्राम लिखा और उसको रन करके देख लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर के कैसे हमने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया। तो कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास, कोई भी चीज़ हो, तो उसको सबसे पहले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद उसका हम सलूशन फाइंड करते हैं। तो
इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वेरिएबल को यूज़ करना और उसके साथ हम एडिशन को सीखेंगे और कैसे हम उसके साथ मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कमी कोताही हो तो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर चेंज कर लूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।